हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संबलपुर स्कूल यूट्यूब चैनल। बंधुगण, आज भिडियो में आम प्रीवियस ईयर आरआई रिक्वायरमेंट रो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने को जाऊे। ता पूर्व जणाई रखी, जो बंधुगण भी ए जाए प्रीवियस ईयर आरआई रिक्वायरमेंट रो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर खोजुंत, से इंग्लिश क्वेश्चन पेपर कौठार भी मिल ना, कारण प्रीवियस ईयर जो एग्जाम होता 2015-16, 2016 जो एग्जाम होता से इंग्लिश क्वेश्चन पेपर नाला, इंग्लिश सब्जेक्ट ही नाला, तेणु इंग्लिश क्वेश्चन पेपर खोजिले भी आम पाइबा ना। ता बदल में आम एठार चलतु एएसओ रो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर को आम डिस्कस करवा, जहाँकि 2015 होता एएसओ से इंग्लिश क्वेश्चन पेपर थी। तो भिडियो को मूल रू लास्ट जाए निश्चिंत देखिए। तो चलतु भिडियोटी आम एवं स्टार्ट करनवा। क्वेश्चन नंबर एक रही, द ट्रेन फ्रॉम न्यू दिल्ली इज लेट बाय 2 आवर्स, व्हाट क्वेश्चन वुड यू मेक इन ऑर्डर टू गेट दिस आंसर। यार चारोटी ऑप्शन अच्छी, चार ऑप्शन जब पढ़ी भिडियोटी लेंथी होती भिडियोटी पज करके ऑप्शन को देखी पारे। मुझे केवल राइट आंसर कहूँ, तार राइट आंसर हम बी, हाउ लेट इज द ट्रेन फ्रॉम न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर टू, सैम हैज नॉट वन दिस इलेक्शन, हैज ही, द राइट आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर थ्री, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट रो मीनिंग होउछि आशावादी, आशावादी रो आमे विपरीत शब्द खोजिबा, तो आशावादी रो जदि विपरीत शब्द कौन हम निराशवादी, तार राइट आंसर होउछि बी, पेसिमिस्ट। क्वेश्चन नंबर फोर, राजू इज क्वाइट स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, हिज ब्रदर हाउएवर इज रादर डेक्स एंड डेक्स, तो राजूटा क्वाइट स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, हिज ब्रदर हाउएवर इज रादर अनस्मार्ट एंड डल, तो राइट आंसर है जीवो देखी देबा ऑप्शन कौन अच्छी, अनस्मार्ट एंड स्टूपिड, तो राइट आंसर है जीवो ऑप्शन बी। ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर फाइव, फिल इन द ब्लैंक विथ द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, द डॉक्यूमेंट हैज टू बी सर्टिफाइड बाय एन ऑफिसर नॉट डेक्स द रैंक ऑफ ए तहसीलदार, समस्त जानी सब फॉर्म अप्लाई कला बेले आसुचे क्वेश्चन टा, तो यार राइट आंसर है जीवो सी, नॉट बिलो द रैंक ऑफ ए तहसीलदार। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विल यू अटेंड द मीटिंग, ही सेड इन रिपोर्टेड स्पीच दिस विल बी, द राइट आंसर विल बी ए, ही आस्क्ड अस व्हेदर वी वुड अटेंड द मीटिंग, ही आस्क्ड अस व्हेदर वी वुड अटेंड द मीटिंग। नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर सेवेन को। क्वेश्चन नंबर सेवेन, द फॉलोइंग वर्ड रिफर्स टू ए कंट्री सिकिंग पब्लिक वोट इन रेस्पेक्ट ऑफ ए मैटर ऑफ नेशनल पॉलिसी और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, द वर्ड हुई रिफर्स टू सिकिंग अ पब्लिक भोट, जनमत आम आवश्यकता करवा क्योंठे जितेबले कौन जितिय नीति बा राजनैतिक मतर आवश्यकता थी से आम पब्लिक भोट्र आवश्यकता करें कौन कह, तो तार राइट आंसर हो ए, रिफरेंडम, रेफरेंडम आम कहे। क्वेश्चन नंबर एट, अल द मेम्बर्स अफ द स्टाफ लिव अफिस एट 6 PM, अल द मेम्बर्स अफ द स्टाफ लिव अफिस एट 6 PM, इन द पास्ट टेन्स दिस विल बी और दिस विल रीड, तो राइट आंसर विल बी डी, तीन हम ना एक रस हेबो, तो यार राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर तीन हम ना एक रस हेबो, तो यार राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 19, इफ यू थिंक यू हैव ऑफेंडेड समवन अनअवेयर्स यू मस्ट शो द कोर्टेसी टू डैश, तार राइट आंसर है डी, से सॉरी, यू मस्ट शो द कोर्टेसी टू से सॉरी, जदि किसी रंग कल अन अवेयर्स क्या तुम जब कौन कर अफंड कर निश्चिंत भाव तुम सरी कह आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 20, रवि बाबू हैज बीन लिविंग इन बालेश्वर फर द लास्ट 20 इयर्स, व्हाट दिस मीन्स इज दैट, यही लाइन रर्थटा कौन कही। क्वेश्चन नंबर 20, तार राइट आंसर है सी, रवि बाबू इज स्टिल लिविंग इन बालेश्वर, हैज बीन लिविंग, देखिपे हैज बीन लिविंग, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, एबे भी से रही आसुचंती माने एबे भी सेटर से रोचंती, राइट आंसर है सी। तापर जीवा क्वेश्चन नंबर 21 को, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सेंटेंस, चारटा ऑप्शन दे कोटा करेक्ट अच्छी, तो यार राइट आंसर अच्छी 21 देखिपे ऑप्शन अच्छी, तो राइट आंसर है बी, आई चेक्ड माय पॉकेट्स एंड डिस्कवर्ड दैट आई हैड फॉरगॉटन द कीज एल्स वेयर, मु चेक कली एवं पाइली जे मु कोठी गोटे कौन चाबीटा भूली जाए, मु चेक करी थी देखिए आई हैड हेबनी, तो ये राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस बिलो, इनकरेक्ट जहाँ भूल अच्छे आम बाहर करवा, तो ये राइट आंसर है ए, बोथ सिस्टर्स आर,
टेलिंग लाइज, टेलिंग लाइज, नाइदर इज टू बी बिलीव्ड। क्वेश्चन नंबर 23, ब्रिंग डैश एक्स, आई शैल कट डाउन डैश ट्री। तो एठारे कौन हम आम करेक्ट आर्टिकल यूज करवा तो द राइट आंसर है ब्रिंग एन एक्स आई शैल कट डाउन द ट्री। कौटे ऑप्शन अच्छे डी, डीटा हो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट यूजेस आर्टिकल्स करेक्टली। कौ सेंटेंस आर्टिकल ठीक भाव में अच्छी तो तार राइट आंसर है सी, द ऑफिस ऑफ द कलेक्टर इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 25, द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर विथ हिज पर्सनल स्टाफ डेक्स कमिंग, विथ हिज द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर विथ हिज पर्सनल स्टाफ इज कमिंग। तो ये राइट आंसर है 25 रो कोटा बी, एटा एग्रीमेंट ऑफ भारत विथ सब्जेक्ट पाठरो एटा आसी तो बी हिज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, दिस इज माय बुक हुएर इज योर्स, दिस इज माय बुक हुएर इज योर्स। तो राइट आंसर है बी। 27, आई एम एंग्री विथ द बॉयज हु डिस्टर्ब माय स्लीप। बुझी पारे एंग्री पर कौन लगे विथ एंग्री विथ आउ जी कि मोर निद को कौन कला डिस्टर्ब कला। तो राइट आंसर है बी विथ एंड हु। क्वेश्चन नंबर 28, आई हैव नॉट ब्रॉट द रिसीप्ट, I shall give it to you tomorrow. I have not brought the receipt. I shall give you it to you tomorrow. तो एठारे आमे would you mind starting करी कि आमे sentence करीबा। तो तारा right answer रहीबा कौन देखीबा option देची चट्टा। Would you mind my bringing the receipt tomorrow? Would you mind it giving you the receipt tomorrow? Would you mind if given the receipt to you tomorrow? Would you mind if I gave you the receipt tomorrow? तो right answer रहीबा D. Would you mind if Would you mind if I give you the receipt tomorrow? Question number 29. If you are asking for information, you use very polite language. Which of the following is the most appropriate question in this context? Jodi ame kichhi kon korchi kichhi information pai kahuche bahut polite language re kahithau namra bhabare to tar right answer ta kouta heba. So right answer hai jibo C. Could you tell me whether there is a train to Kashmir Katihar? From here, could you tell me whether there is a train to Kathiar from here? Right answer is C. Tapare jiba question number 30 ko. May I use your telephone? It's more dex than I want to use your telephone. To kono besi may I kahile polite asuchi? To right answer is C. May I ta kono eta jete bela permission maguche पूरा रेस्पेक्ट देखिए सत्य बोले हमें पोलाइट नंबर अच्छे तो फैट लाइन टा कौन अच्छे पोलाइट अच्छे। क्वेश्चन नंबर 31, इट डज नॉट सीम टू सजेस्ट दैट द ऑफेंडर्स हु बार्क्ड इनटू द एटीएम काउंटर वेर यंग पीपल, व्हिच फ्रेजेस हियर टेल्स यू दैट द स्पीकर इज नॉट क्वाइट श्योर अबाउट द ऑफेंडर्स। डज नॉट सीम सीम कहिछे सीम रो यूज हिछे तो एटा रे राइट आंसर रहइबो कोटा ए सीम टू सजेस्ट सीम तो लगी तो मैंने निश्चिंत नुहत। क्वेश्चन नंबर 32, जो थे कही चेंज द भयस आम भयस चेंज करवा पेसीव भयस अच्छी कौन करवा या एक्टिव करवा कि यार राइट आंसर ऑप्शन रे नहीं। क्वेश्चन मुझे पढ़ी दूसरी, इमीडिएट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू रिटर्न ऑल अनयूज्ड फंड्स टू द एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन। यार ऑप्शन नहीं सब भूल ऑप्शन देटर ग्रेस मार्क मिली था ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 33 को जीवा, चूज द पास्ट टेंस ऑफ द भाग बेंड, बैंड रो पास्ट फॉर्म भारत कोटा हे आम जानचे बैंड रो बेंट बी एन टी सैंड रो सेंट ठीक सेमती बैंड रो बैंड है राइट आंसर 33। क्वेश्चन नंबर 34, जो थे क्वेश्चन अच्छी, फॉर योर इनफॉरमेशन आई वुड इनफॉर्म यू दैट इट इज नेसेसरी टू सबमिट द स्टेटस रिपोर्ट टू द ऑफिस बाय 31 मे 2013। तो यठार आम करेक्ट करवा कौन सजेसन करवा सेंटेन्स को करेक्शन करने कौन सजेसन करवा तो तार राइट आंसर हूँ सी। आम जहाँ को आई वुड इनफर्म को आम काटिद जेहेतु आई वुड इनफर्म एटार इनफर्मेसन देती फॉर योर इनफर्मेसन इट इज नेसेसरी टू सबमिट द स्टेटस रिपोर्ट यहाँ हम राइट आंसर। तापर जा क्वेश्चन नंबर 35 को, मेज द फ्रैगमेंट्स करेक्टली आम मेज करवा, द लंगर यू वेट द बेटर योर चान्स विल बी, द बेटर योर चान्स विल बी फास्टा कौटा को जी को जी जानी पारे। अच्छी
द मोर यू इन्वेस्टिगेट बेसी इंक्वायरी कले हमें कोन पाई करि परिबा द मोर अपीलिंग फैक्ट्स विल सरफेस अपीलिंग फैक्ट्स सब हमें सामना करि परिबा वंस यू फिनिश दिस जॉब आई शैल गिव यू मोर मु तुमको अधिक देबी तो हमें पाई गले फर्स्ट टा सी को जीवो सेकंड टा डी को जीवो थर्ड टा बी को जीवो फोर्थ नंबर टा ए को जीवो राइट आंसर है जीवो बी तापर जीवा क्वेश्चन नंबर 36 द चेयर्स लेग इज ब्रोकन कैन बी बेटर रिटर्न एज द लेग ऑफ द चेयर्स इज ब्रोकन द चेयर्स लेग ब्रोकन द लेग ऑफ द चेयर एटा जानि छी हम क्वेश्चन नंबर 37 द पुलिस स्टेशन इज ओनली ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द साइट ऑफ बर्गलरी व्हाट डज ए स्टोन थ्रो माने कोन बुझौ छी एठारे क्वेश्चन नंबर 37 रो राइट आंसर हबो डिस्टेंस केते दूरता हमें कहू थाउ ना टेका मार देले पहुंची जीव जो कहि दाउ तो ए स्टोन थ्रो केते माने कोन एही जगारु ए स्टोन थ्रो डिस्टेंस माने तार ए स्टोन थ्रो कहिले एठारे बुझौ छी डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 38 सिंस आई हैड डैश थिंग्स टू बॉय आई हैड विथड्रॉन डैश मनी फ्रॉम द एटीएम क्वेश्चन नंबर 38 आ तार राइट आंसर हेबो बी सिंस आई हैड ए फ्यू थिंग्स टू बॉय आई हैड विथड्रॉन सम मनी एटा लागिबो आ ए फ्यू थिंग्स टू बॉय हेबो ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 39 इन ऑर्डर टू इंडिकेट ए सीक्वेंस वी यूज सच वर्ड्स एज ओटे सीक्वेंस पई हमें को वर्ड व्यवहार करिथाउ तो हमें 13 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ व्यवहार करिथाउ तो 39 रो आंसर हेबो बी गोटे सिक्वेन्स रे कहले फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन फिफ्थ पर्सन एमते कही था सिक्वेन्स पाई तो राइट आंसर हेबो बी क्वेश्चन नंबर 40 ड्रंकन ड्राइविंग स्मोकिंग पॉट शॉप लिफ्टिंग एंड किडनैपिंग ए सब गोटे गोटे कौन ए सब गोटे गोटे क्राइम्स तो राइट आंसर हेबो डी आगो को क्वेश्चन अच्छे नेक्स्ट पार्ट रे हमें डिस्कस करिबा।